हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इजी गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स, आज आए हैं हम अमृत उद्यान घूमने। तो पहले इसका नाम मुगल गार्डन था, लेकिन अब बदल कर जो है अमृत उद्यान रख दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वैरायटी के फूल आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाइसम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के बॉन्साई प्लांट भी उन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए कितनी खूबसूरती बखेरे हैं। फाइकस का प्लांट है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से जो है इनको उन्होंने मेंटेन करके रखा है। काफ़ी खूबसूरती जो है ये बखेर रहे हैं। ये देखिए अलग अलग नई नई तरह के जो है वैरायटी हैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप यहाँ पर आएँ और यहाँ की खूबसूरती को जो है देखें। देखिए तो आगे चलकर मैं और भी कुछ आपको जो है दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गुलाब की जो है वैरायटियाँ लगाई हुई हैं। काफ़ी तरह के गुलाब हैं, कलर भी देखिए आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी वैरायटियों के यहाँ पर आपको गुलाब जो है देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पैंजी पैंजी भी जो है काफ़ी जो है एरिया में इन्होंने लगाई हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्यूलिप की वैरायटी, और ये वेरीगेटेड है। तो आपको देखिए कितनी खूबसूरत ये देखने में लग रही थी, बस कोई जवाब नहीं था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पर्पल कलर के जो है ट्यूलिप इन्होंने लगाए हुए हैं। तो काफ़ी जगहों में काफ़ी वैरायटी, काफ़ी कलर के जो है इन्होंने ट्यूलिप जो है लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। देखिए ये वाइट कलर के ट्यूलिप यहाँ पर लगाए हुए हैं, और पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए राष्ट्रपति भवन बनाया हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है फ्रेंड्स। इतना कैमरे में नहीं दिख पा रहा है जितना जो पास से देखने में नज़र है। और यहाँ पर पीछे की तरफ देखिए काफ़ी तरह के, काफ़ी वैरायटी के जो है फ्लावर्स जो है इन्होंने लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फाउंटेन, बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को हमें मिला है। तो काफ़ी कलर, काफ़ी वैरायटी के फ्लावर जो है हमें देखने को यहाँ पर मिले हैं। और घूमे तो बहुत ही ज़्यादा जो है घूमना पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाइट रोज, और यहाँ पर देख सकते हैं ये पिंक रोज की वैरायटी। बहुत ही बड़े बड़े बिग साइज के फ्लावर्स जो है हमें यहाँ देखने को मिले फ्रेंड्स, मन एकदम खुश हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए अलग वैरायटी है ये, और यहाँ पर देखिए ये अलग कलर के हैं। ये देखिए काफ़ी जो है सुंदर दिख रहे थे ये, कैमरे में इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितने जो है पास से देखने में लगे ये। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर फिर से देखिए ये वाइट कलर के जो हैं गुलाब। और आगे चलकर हम देखेंगे तो और भी हमें जो है देखने को काफ़ी सारी वैरायटी के गुलाब जो है मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जो हैं अच्छी अच्छी जो हैं तरह से हमें जो है फूल देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए वर्टिकल गार्डन भी आपको दिखा होगा, और यहाँ पर फिर से जो है गुलाब, गुलाब की तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए ये कैबिज ऑर्नामेंटल देखिए, और यहाँ पर ये मैरीगोल्ड, बहुत ही बिग साइज के फ्लावर हमें जो है देखने को मिले फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए ये कैनंडूला, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर फिर से देखिए ऑर्नामेंटल कैबिज, और यहाँ पर देखिए स्टोक, स्टोक तो मैंने काफ़ी जो है बहुत ही प्यारे लगे मुझे काफ़ी कलर के। यहाँ पर ये देखिए ये एक अलग कलर है, पीछे आप वाइट कलर देख रहे हैं। और आगे चलकर जो है हमें और अलग कलर के जो है हमें स्टोक के फ्लावर्स जो है देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, कैमरे में मैंने इनको जो है काफ़ी अच्छी तरह से कैप्चर किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर घूमने के लिए। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया पोपी के जो है फ्लावर्स, और फिर से देखिए स्टोक के फ्लावर्स आ गए हैं ये देखिए। और कुछ ऐसे भी थे जिनके मुझे नाम नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन मैंने उनको जो है कैप्चर ज़रूर किया अपने कैमरे में। और यहाँ पर देखिए बीच में देखिए आपको फाउंटेन दिख रहा होगा, ये पूरा राउंड शेप में बनाया हुआ है एक गार्डन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप वहाँ पर ज़रूर जाइए और इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद ज़रूर कीजिए।